Swayam Prabha, Digital India, Educated India. आप सभी को नमस्कार बीमा विधि की व्याख्यान श्रृंखला में यह हमारा छठा व्याख्यान है जो कि बीमा प्रीमियम के ऊपर रहने वाला है इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने सर्वप्रथम बीमा के अर्थ के बारे में जानने की कोशिश की कि बीमा है क्या बीमा प्रीमियम किसे कहते हैं बीमा बीमित व्यक्ति कौन होता है और बीमाकर्ता कौन होता है इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले व्याख्यान में जानने की कोशिश की बीमा की प्रकृति क्या है नेचर क्या है बीमा की फंक्शनिंग क्या है किस प्रकार वह कार्य करता है दूसरे व्याख्यान में हमने बीमा के ऐतिहासिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की कि, कि किस प्रकार ऐतिहासिक रूप से बीमा ने अपना अवतरण किया कहाँ से वह शुरू हुआ किस प्रकार से उसका विकास हुआ साथ के साथ हमने भारत देश में भी ये जानने की कोशिश की कि बीमा ने कब अपना आकार लिया किस समय पर व्यवतृत्त हुआ और उसके बाद कौन सी ऐसी घटनाएँ महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई जिनके कारण बीमा एक संगठित क्षेत्र के अंदर में अपने कदम रख पाया और काफ़ी महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए वो हम सब ने उन चीज़ों को अपने दूसरे व्याख्यान में जानने की कोशिश की उसके पश्चात हमने जीवन बीमा की अवधारणा लाइफ इंश्योरेंस की फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश की कि एक जीवन बीमा किस प्रकार से गठित होता है क्या क्या मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके एक जीवन बीमा की पॉलिसी को फॉर्म फॉर्म किया जाता है किस प्रकार से कौन सा सिद्धांत है जिनके बेसिस पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है उसके बाद वाले व्याख्यान में चौथे व्याख्यान में हमने बीमा के कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश की बीमा की अवधारणा क्या है कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि बीमा के ऊपर में अपना एक बीमा की पॉलिसी को डिसाइड करने में एक बीमा के कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं काफ़ी मूलभूत सिद्धांत थे जिनमें से हमने मुख्य रूप से जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर में डिस्कशन किया जो अपना महत्व रखते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उससे अगले व्याख्यान में हमने इंश्योरेबल रिस्क यानी कि बीमा योग्य जोखिम उनके बारे में बात की उनके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं किस प्रकार से जोखिम को बीमा योग्य या गैर बीमा योग्य माना जाता है वो कौन से सिद्धांत हैं कौन से वे तत्व हैं जिनके बेसिस पर आपके जोखिम को बीमा या बीमा गैर बीमा योग्य कैटेगरीज़ में रखा जाता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे कि आपकी एज आपका रेजिडेंस आपका जोग्राफिकल कंडीशन भौगोलिक स्थिति इसके अलावा आप किस देश से बिलोंग करते हैं आपका पारिवारिक हिस्ट्री क्या है आपकी हैबिट्स क्या हैं आपकी आदतें क्या हैं पूर्व और इस समय वर्तमान में ये सारे वो तत्व हैं जो एक आपके जोखिम को बीमा या गैर बीमा योग्य बनाने में मदद करते हैं तो किस प्रकार से कौन से वे मुख्य सिद्धांत हैं जो यह तय करते हैं कि आपके किस जोखिम को जोखिम योग्य में बीमा योग्य में या फिर कौन से ऐसे जोखिम हैं जिन्हें गैर बीमा योग्य माना जा सके हमने उन चीज़ों के बारे में उस लेक्चर में डिस्कस किया था अब इस छठे व्याख्यान में हम बात करेंगे बीमा प्रीमियम की यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम की इस लेक्चर में कुछ विषय हैं जिन्हें हमने शामिल किया है जैसे कि प्रीमियम है क्या मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे कुछ डेफिनेशंस के द्वारा कि बीमा प्रीमियम की परिभाषा क्या है फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन तरीकों से बीमा के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है वट आर द मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी इसके अलावा प्रीमियम भुगतान में छूट अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड ग्रेस पीरियड क्या होता है इसका क्या महत्व है इन सारी चीज़ों का हम जो प्रीमियम के अंदर में अपना रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों का इन सारे कॉन्सेप्ट का हम प्रीमियम के अंदर में बात करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा प्रीमियम के अर्थ का मीनिंग ऑफ प्रीमियम प्रीमियम होता क्या है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में बीमा प्रीमियम वह कीमत है जो बीमा करता कुछ निश्चित या निश्चित खतरों या जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा धारक से एकमुश्त या किश्तों में लेता है जो प्रीमियम है वह आप एकमुश्त भी दे सकते हैं या प्रीम पॉलिसी के अनुसार आप उसको महीने के अनुसार या आप उसको सिक्स मंथ में या आप उसको एनुअली सालाना आप उसको पे कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के बीमा कवर के लिए जोखिम की डिग्री के आधार पर अलग अलग प्रीमियम की आवश्यकता होती है किस प्रकार का आपका जोखिम है कितना जोखिम की संभावनाएं हैं इन सभी चीज़ों को इन डिग्री के बेसिस पर आपका प्रीमियम तय किया जाता है उदाहरण के लिए पचास हज़ार मूल्य की बाइक के लिए बीमा करने वाली पॉलिसी कराने की तुलना में घर का एक लाख रुपये का आग करने के लिए बीमा करने वाली पॉलिसी में अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होती है हालांकि बीमित जोखिम की डिग्री समान है दोनों में ही दुर्घटना होने की संभावना है घर की मरम्मत की लागत बाइक की मरम्मत की लागत की तुलना में अधिक है और यह अंतर बीमा धारक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम में भी देखा जा सकता है अर्थात आपने एक लाख रुपए की बाइक की पॉलिसी ली है उसमें और एक लाख का आपने घर का अग्नि बीमा लिया है दोनों की प्रीमियम दर में अंतर पाया जा सकता है घर का जो प्रीमियम दर है वो महंगा हो सकता है इन कंपैरिजन टू जो आपकी बाइक है बीमा प्रीमियम की कीमत बीमा धारक की विशेषताओं पर भी निर्भर करती है उदाहरण के लिए लगातार दुर्घटना रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को नो एक्सीडेंट रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की तुलना में ऑटो बीमा के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है बार बार अगर आपने क्लेम लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसलिए आपकी प्रीमियम राशि अधिक हो सकती है इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसने कभी क्लेम नहीं लिया या उसने अक्सर क्लेम नहीं लिया है पक्ष बीमाकर्ता और बीमा धारक प्रीमियम की दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन एक बार जब वे सहमत हो जाते हैं और बीमा अनुबंध में प्रवेश करते हैं तो यह निर्णायक और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है पिछले जितने भी व्याख्यान हुए हमने उनमें बात की कि बीमा जो है वह एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में इंश्योर और इंश्योर्ड के बीच में और एक बार जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडली एंटर कर जाते हैं सारे तत्वों को पूरा करते हुए उसमें एंटर कर जाते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी और निर्णायक हो जाता है बीमा कंपनियां आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई तत्वों की जांच करती है जिनमें कवरेज का प्रकार दावे की संभावना पॉलिसी धारक का व्यवसाय उसकी जीवन शैली उसका स्वास्थ्य और अन्य कारक शामिल हैं। तो प्रीमियम का पेमेंट बाद का विषय है सबसे तो पहले जब आपने प्रपोजल फॉर्म जमा किया है उस समय पर कंपनी है डिसाइड करती है कि आपको बीमा कवरेज देना है या नहीं देना है उसकी गणना करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी उम्र कितनी है आप किस व्यवसाय में शामिल हैं वह कितना जोखिम भरा है इसके अलावा आपकी वर्तमान आदतें क्या हैं आपकी पुरानी आदतें क्या रही हैं इस समय आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है इसके अलावा आपकी पारिवारिक स्थिति को वह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको कहीं पूर्व में वह लोग भी उसी बीमारी से ग्रस्त रहे हैं या नहीं रहे हैं ऐसी स्थितियों का भी आंकलन किया जाता है हेरिडिटरी कॉजेज़ के बारे में जो हम जानते हैं इसके अलावा आप किस जगह पर आप रहते हैं क्या वह हवादार खुली है या किसी प्रकार की बीमारियों से संक्रमित जगह में आप रहते हैं इसके अलावा आपकी भौगोलिक स्थिति कि आप आ, पहाड़ों में रहते हैं या प्लेन एरिया में मैदानी इलाके में रहते हैं आपकी भूगोलिक स्थिति भी आपकी प्रीमियम दरों को तय करने में मदद करती है इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं जो इन चीज़ों को तय करने में मदद करते हैं कि पॉलिसी दी जाए या ना दी जाए और दी जाए तो उसके लिए कितना प्रीमियम अमाउंट रखा जाए उनमें से एक कारण आपकी नेशनैलिटी और रिस्क भी हो सकती है कुछ देशों के अंदर में वहाँ की स्थिति ऐसी है जहाँ पर कम बीमारियाँ या कम संक्रमण होने की कोशिश रहती है तो उस स्थिति में वहाँ पर प्रीमियम दर कम हो सकती है बजाय उन एरियाज़ के जहाँ पर भुखमरी बाढ़ हालात ऐसे कुछ ऐसे ज़्यादा संभावनाएं है, रहती हैं जहाँ दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है तो इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया के दौरान बीमा कई तरह के तत्वों की जांच करती है और उसके बाद ये तय करती है कि आपको बीमा कवरेज देना है नहीं देना है और अगर कवरेज दिया है तो कितना प्रीमियम उसमें रहना चाहिए ये इन सभी तत्वों के ऊपर में तय किया जाता है बीमा कंपनियों द्वारा अलग अलग उम्र और जीवन शैली के लोगों द्वारा किसी गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर दिल का दौरा या अन्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले दावे की संभावना का अनुमान लगाने जैसे कार्यों को करने के लिए बीमांकों, को को नियुक्त किया जाता है यह लोग उस स्थिति का आंकलन करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आपके साथ भविष्य में हो सकती है आपको बीमित किया जाए या करने के वक्त में कितना आपके साथ प्रीमियम दर तय की जाए बीमा प्रीमियम की लागत किसी घटना या दावे से जुड़े जोखिम के स्तर के साथ बढ़ेगी यह हम सर्वविदित है कि जितना ज्यादा जोखिम आपके साथ अटैच्ड होगा उतनी ही ज्यादा प्रीमियम की दर बढ़ सकती है जब आपने बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की बात आती है तो ग्राहकों के पास बीमा प्रदाताओं के पास कई विकल्प होते हैं बीमा प्रीमियम का भुगतान आमतौर पर पॉलिसी धारकों द्वारा किश्तों में किया जाता है जैसे मासिक अर्धवार्षिक भुगतान या कवरेज शुरू होने से पहले तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कंपनियों ने प्रदान की हुई हैं कि आप अपने प्रीमियम को डिपॉजिट करवा सकें आप मंथली बेसिस पर तीन महीने में तिमाही या आप अर्धवार्षिक वार्षिक, वार्षिक या एक साथ भुगतान करने की भी आपके पास पॉलिसी टू पॉलिसी ये चीज़ें वेरी करती हैं ऐसा नहीं है कि सभी पॉलिसीज़ में आप एक भुगतान कर सकते हैं बल्कि कंपनी और कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ ये चीज़ें डिसाइड करती हैं जब ऑटो बीमा जैसे गैर जीवन बीमा की बात आती है तो एक वर्ष तक कोई दावा ना करने के बाद वार्षिक प्रीमियम कम किया जा सकता है दूसरी ओर दावों के अगले वर्ष प्रीमियम बढ़ सकता है तो यह सारा उस स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में आप लोग रहते हैं या आपने कितना क्लेम किया है इन सारी चीजों को प्रीमियम डिसाइड होता है प्रीमियम कई कारकों पे डिपेंड करता है जैसे कि हमने बात की है कि आपकी एज कितनी है आप किस स्थिति में रहते हैं या आप किस व्यवसाय में हैं इसके अलावा जब मोटर व्हीकल की बात आती है जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर होता है कि आपने किस प्रकार से व्हीकल का रख रखाव रखा है या आपने की दुर्घटना होने की क्या स्थिति है क्या वह बार बार फ्रिक्वेंटली होती है या फिर आप नहीं करते हैं ऐसा या आप कितने वर्षों में आपके साथ एक बार दुर्घटना हुई है ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम दर आपकी अगले वर्ष क्या रहनी चाहिए वह बढ़ भी सकती है अगर आपने बार बार दावे किए हैं या आपकी स्थिति ठीक नहीं है व्हीकल की और वह घट भी सकती है अगर आपने कभी भी कोई क्लेम नहीं किया या आपकी व्हीकल की स्थिति ठीक रहती है बीमा पॉलिसी और कवरेज प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या व्यवसाय को प्रीमियम के रूप में नियमित आधार पर बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा बीमा कंपनियां प्रीमियम निर्धारित करते समय कई तरह की बातों को ध्यान में रखती हैं खासकर जब जीवन बीमा की बात आती है संभावना है कि पॉलिसी धारक द्वारा दायर किया जा सकता है स्वास्थ्य समस्याएं धूम्रपान और अन्य जीवन शैली विकल्प निवास स्थान काम का प्रकार और अन्य कारक कुछ उदाहरण है तो यह चीज तो निश्चित रूप से तय है कि बीमा के कवरेज में रहने के लिए आपको नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होगा जितनी भी निश्चित राशि है उसका निश्चित समय पर आपको उसका भुगतान करना होगा यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है आपके प्रीमियम्स को डिसाइड करने में इसके अलावा अन्य कारक जिनके बारे में हमने बात की कि आपका निवास आपकी जीवन शैली आपकी उम्र आपका व्यवसाय ये बहुत सारे कारण हैं जो यह तय करते हैं कि कितना प्रीमियम किस तरह की पॉलिसी में आपका होने वाला है जब पॉलिसी से जुड़ी सभी देनदारियों के लिए कवरेज सुनिश्चित करने की बात आती है तो बीमा कंपनियां बीमा प्रीमियम का उपयोग करती हैं रिटर्न अर्जित करने और कवरेज से जुड़ी कुछ लागतों को कवर करने के लिए प्रीमियम को बीमा कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों में भी निवेश किया जा सकता है बीमा कंपनी अक्सर आपके रिटर्न्स का जो आपके प्रीमियम का जो पैसा आता है उसको किसी ने सिक्योरिटीज में या अन्य जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट करती है बीमा कंपनियां मृत्यु दर लागत को भी ध्यान में रखती हैं, यानी पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि या बीमा कंपनी द्वारा दे न्यूनतम राशि ऊपर उल्लिखित कारणों का आकलन करके भी यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी प्रीमियम की अमाउंट कितनी रहने वाली है क्या कारण है और किसको कितनी प्रकार की किस तरीके से राशि दी जाएगी ये सारी चीजें बीमा प्रीमियम को तय करने में मदद करती हैं। बीमा कंपनियों की परिचालन लागत जैसे कार्यालय स्थान का किराया कर्मचारियों का वेतन एजेंटों का कमीशन आदि भी बीमा प्रीमियम निर्धारित करते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्थिति कि आप किस प्रकार की स्थिति में हैं, बल्कि कंपनी के अपने स्वयं के खर्चे रख रखाव उसके वेतन जो कर्मचारियों के वेतन है इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो उनके खर्चे हैं ये सारी भी चीज़ें बीमा प्रीमियम का निर्धारण करती हैं जैसा कि देखा जा सकता है प्रीमियम गणना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है और एक व्यक्ति या पॉलिसी से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को चुनने या हर साल नवीनीकृत करने से पहले उस पर दे बीमा प्रीमियम निर्धारित करने के लिए हमेशा एक कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए यह कैलकुलेटर अधिकांश बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है प्रीमियम की गणना आपकी स्थिति भी देखी जाएगी उसमें कि आप किस ग्रुप में हैं, आपकी क्या स्थिति है आप कहाँ पर रहते हैं आपका व्यवसाय क्या है किस जगह से आप बिलोंग करते हैं और इसके अलावा कंपनी का कितना खर्चा होने वाला है इस पॉलिसी के ऊपर में उन्होंने कितना कमीशन दिया एजेंट्स को उनके कर्मचारियों का क्या वेतन है ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं एक बीमा की प्रीमियम को तय करने में मदद करते हैं और जब हमारी आम आदमी की बात आती है तो हमें एक कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें अपनी अमाउंट डालेंगे कि हमें कितना उसमें कवरेज चाहिए कितना हमारा प्रीमियम होना चाहिए कितना हमारी एज है सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके और उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितना बीमा प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए देंगे और वो हमारे लिए अफोर्डेबल भी है या नहीं है अगर हमारे लिए अफोर्डेबल है तभी हमें उस बीमा पॉलिसी को लेना चाहिए अंत में प्रीमियम गणना से पहले निवेशित प्रीमियम पर अर्जित ब्याज को भी ध्यान में रखा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है एल बनाम अनम्मा इसमें अदालत ने कहा कि प्रीमियम की प्राप्ति और उसे रोके रखने के बाद केवल चुप्पी को स्वीकृति नहीं माना जा सकता एक अनुबंध तब बनता है जब बीमाकर्ता प्रीमियम स्वीकार करता है और उस अपने पास रखता है अर्थात आपने सिर्फ प्रीमियम को प्राप्त कर लिया है और आपके पास प्रपोजल फॉर्म आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने आपको स्वीकृति प्रदान कर दी है कंपनी जब उस प्रीमियम को अपने पास रखती है और आपका उसको कम्युनिकेशन करती है कि हम इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब ये कह सकते हैं कि आपकी पॉलिसी वास्तविक रूप में आई है तो आपको सिर्फ एक चुप्पी क्योंकि कंपनी के पास आपने प्रपोजल फॉर्म जमा किया या प्रीमियम अमाउंट एक बार आपने भेज दी इसका तात्पर्य नहीं है कि आप बीमित हो चुके हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम सुनीता जो 2019 के का मामला है उसमें यह माना गया कि यदि नियत तारीख पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया तो बीमा दावा खारिज किया जा सकता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय पर ही अपना प्रीमियम अमाउंट जो है जो बीमा का प्रीमियम है वह जमा करवाएं अन्यथा किसी दुर्घटना में किसी हानि के समय पर हम अपना क्लेम करने की स्थिति में नहीं होंगे अदालतों का रुख इस बारे में बड़ा स्पष्ट है एक और इंपॉर्टेंट केस है जो है विक्रम ग्रीन टेक आई लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि कानी कानूनी स्थिति से यह स्पष्ट है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों को सख्ती से समझा जाना चाहिए शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूट और पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करते समय अनुबंध को फिर से लिखना स्वीकार्य नहीं है अर्थात जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक बार एंटर कर लिया है जो भी पॉलिसी की शर्तें हैं वे दोनों पक्षों पर लागू होंगी नए तरीके से आप ना तो उसको परिभाषित कर सकते हैं ना उसको आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना आप उसमें कोई नई शर्तें बाद में ऐड कर सकते हैं तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पॉलिसी एंटर करें उस समय दोनों पक्षों को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए और बीमा प्रीमियम का भुगतान का समय तारीख अमाउंट सब चीजें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट की जानी चाहिए कुछ परिभाषाओं के द्वारा बीमा प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं लुसेना बनाम क्राफोर्ड में लॉरेंस जे ने प्रीमियम को परिभाषित किया कि जोखिम के लिए पर्याप्त कीमत चुकाई गई उन्होंने इस रूप में इसको परिभाषित किया जोखिम यानी रिस्क को कवर करने के लिए जो आपने अफोर्डेबल या प्रॉपर अप्रोप्रिएट कीमत चुकाई है उसे हम प्रीमियम कह सकते हैं क्योंकि हम प्रीमियम किस लिए दे रहे हैं ऑब्वियसली अपने जोखिम को कवर करने के लिए इंश्योर्ड करवाने के लिए रिस्क को इंश्योर्ड कराने के लिए हमने पिछले व्याख्यान में भी इस बारे में बात की कि कुछ ऐसे जोखिम हैं जिन्हें कंपनी कवर करती है उनको हम इंश्योरेबल रिस्क के नाम से जानते हैं मैकमिलन शब्दकोश प्रीमियम को इस प्रकार परिभाषित करता है कि किसी बीमा कंपनी को किया गया नियमित भुगतान ताकि आप बीमा द्वारा सुरक्षित रहें तो मैकमिलन आपको इस बारे में परिभाषित करता है कि नियमित भुगतान अगर आपने कंपनी को किया है एक निश्चित समय पर नियमित भुगतान निश्चित मात्रा में तो वह आपको इंश्योरेंस में रिस्क से हानि से जोखिम से कवर करता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीमियम को इस प्रकार परिभाषित करता है बीमा पॉलिसी को सुरक्षित करने और बीमा के अनुबंध को पूरा करने के लिए बीमा धारक द्वारा बीमाकर्ता को अवधि के दौरान भुगतान की गई निश्चित राशि प्रीमियम है अर्थात इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को समय पर निश्चित अमाउंट अपने आप जोखिम को कवर करने के लिए ही आप उस अमाउंट को उस उन पैसों को आप प्रीमियम के रूप में जान सकते हैं डब्ल्यू e. पेटरसन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष प्रीमियम नामक मुआवजे के लिए दूसरे पक्ष का विशेष जोखिम लेता है और उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को एक निर्दिष्ट आकस्मिकता यानी कि कंटिजेंसी हैपन होने पर एक निश्चित या सुनिश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है तो इस डेफिनेशन के अनुसार बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत एक पक्ष यानी कि इंश्योरर आपको इंश्योर्ड करता है एश्योर्ड करता है एक निश्चित राशि लेकर जिसे हम प्रीमियम कहते हैं कि किसी आकस्मिकता के घटने पर किसी कंटिजेंसी के होने पर जो भी निश्चित राशि है उस पॉलिसी में वह आपको या आपके बीमा या आपके नॉमिनी को वह राशि प्रदान की जाए लेकिन इन सभी के मध्य प्रीमियम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रीमियम देने के बाद ही इस तरह के जोखिम को कवर किया जाता है और आपको समय समय पर उस चीज के बारे में अवगत कराया जाता है कि आप अपने समय समय पर प्रीमियम का भुगतान करें और आपको कम या ज्यादा आपकी आपके आचरण के अनुसार यह चीजें डिसाइड हो सकती हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीमियम को इस प्रकार परिभाषित करती है कि प्रीमियम बीमा पॉलिसी को सुरक्षित करने और बीमा के अनुबंध को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा अवधि के दौरान भुगतान की गई निश्चित राशि है अर्थात एक समय अवधि में जो कि तय समय अवधि है उसमें एक निश्चित राशि जो हानि को कवरेज करने के लिए रिस्क को कवर करने के लिए दी जाती है वह राशि प्रीमियम के रूप में जानी जाती है तो इस प्रकार कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि बीमाकर्ता एक निश्चित राशि जिसे कि हम प्रीमियम अमाउंट मानते हैं एक निश्चित समय में स्पेसिफाइड टाइम में जब इंश्योर्ड से लेता है बीमाकृत से लेता है तो वह उसको एश्योरेंस देता है इस बात का आश्वासन देता है कि किसी प्रकार की कंटिजेंसी होने पर आकस्मिकता हो जाने पर वह बीमाकृत को या उसके नॉमिनी को वह निश्चित राशि प्रदान करेगा मुआवजे के रूप में जो कि पॉलिसी के अंदर में तय की गई है अब हम प्रीमियम भुगतान के तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है वट आर द मोड्स ऑफ द पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी से पॉलिसी या एक ही बीमा करता बीमा करता से बीमा करता या बीमाकर्ता और बीमा आधार के बीच सहमति के आधार पर मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक आधार पर किया जा सकता है आमतौर पर प्रीमियम का भुगतान नकद में भी किया जाता है अर्थात पॉलिसी से पॉलिसी यह डिफ्रेंशिएट करता है कि कितना प्रीमियम आपको देना है किस प्रकार आपको देना है कितनी मद में किस निश्चित मात्रा में किस स्थान पर किस प्रकार से आपको उसका प्रीमियम भुगतान करना है यह सारी चीज़ें पॉलिसी से पॉलिसी भी वेरी कर सकती हैं और एक पॉलिसी कंपनी से दूसरी पॉलिसी कंपनी में भी सेम पॉलिसी के लिए भी डिफरेंट अमाउंट या डिफरेंट तरीका डिसाइड किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आपसे एक मुश्त राशि ली जाती है एडवांस में पूरे साल के लिए एकमुश्त राशि ली जाती है आपके जीवन बीमा पॉलिसी के लिए आपके अन्य पॉलिसीज के लिए हो सकता है कंपनी आपको महीने के रूप में अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में भुगतान करने के लिए कह सकती है इसी स्थिति में हो सकता है दूसरी कंपनी आपको सेम पॉलिसी इशू करने के लिए वह कुछ और प्रावधान करे तो यह बीमा करता से बीमा करता और पॉलिसी से पॉलिसी भी वेरी कर सकती है कि आपको मासिक अर्धवार्षिक या वार्षिक या एक भुगतान करना होगा लेकिन यह बीमाकर्ता पर निर्भर है कि वो चेक क्रेडिट कार्ड पोस्ट नोट या बिल ऑफ बिल एक्सचेंज जैसे किसी अन्य तरीके से भुगतान स्वीकार करे इसका भुगतान हिसाब किताब करके किया जा सकता है भुगतान बीमाकृत के अधिकृत एजेंट को भी किया जा सकता है तो विभिन्न तरीके से विभिन्न मोड से प्रीमियम की पेमेंट की जा सकती है एजेंट्स को भी आप भुगतान कर सकते हैं चेक के द्वारा भी कर सकते हैं विभिन्न वेबसाइट्स पर जाकर भी ऑनलाइन भी प्रोमिसरी नोट के थ्रू भी बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी किस प्रकार से कंपनी ने आपके लिए कौन सा तरीका तय किया है आप उसको फॉलो करके और अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं अपने जीवन बीमा के लिए न्यूनतम समग्र लागत सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम भुगतान का कम बार वाला तरीका चुने अर्थात वार्षिक अर्धवार्षिक लाभदायक रहते हैं अन्य विचारों को नजरअंदाज करते हुए अधिक भुगतान मोड की तुलना में कम बार बार भुगतान मोड की वार्षिक लागत में अक्सर काफी छूट भी दी जाती है आप वार्षिक भुगतान कर रहे हैं तो कंपनी हो सकता है आपसे कम प्रीमियम चार्ज करे उसमें कुछ छूट प्रदान करे और जो महीने की आप पॉलिसी के पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस भी उस पर ज्यादा लगेंगे और हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी उसमें आपको छूट प्रदान ना करे तो बेहतर यही रहता है कि कम बार बार वाले मोड को इस्तेमाल करना चाहिए दो कारकों पर विचार करना ना भूलें जब हम प्रीमियम को भुगतान करने की बात सोचते हैं अवसर लागत और तरलता मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लिक्विडिटी आपकी तरलता लिक्विडिटी वह नकदी है जो आपके पास प्रीमियम भुगतान करने के लिए तैयार है जो आपके पास कैश इन हैंड है उस समय पर जिससे आप प्रीमियम दे सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास बैंक में केवल ₹500 हैं तो संभवतः है, ₹5000 वार्षिक प्रीमियम भुगतान विकल्प चुनना ना समझी है क्योंकि अधिक से अधिक मान लीजिए ₹500 भी आपके पास अगर महीना है तो आप साल के अंदर में भी पांच हज़ार रुपये इकट्ठा करने की कैपेसिटी नहीं रख पाएंगे वह आप सारे अमाउंट जितनी इकट्ठी करेंगे आप पॉलिसी के अंदर में पे नहीं करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट का प्रीमियम क्या आप खर्चा पांच सौ रुपए महीना कर सकते हैं पांच हजार रुपए महीना की प्रीमियम पॉलिसी लेना समझदारी नहीं है हमें अपनी लिक्विडिटी को ध्यान में देखना होगा उस नकदी को अपने ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास में एक्चुअली हमने रखी हुई है क्योंकि आपके जीवन बीमा योजना के समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए समय पर बीमा प्रीमियम भुगतान महत्वपूर्ण लिक्विडिटी नहीं होगी ज्यादा बड़ी पॉलिसी हम ले लेंगे अपने सामर्थ्य से ज्यादा बाहर जाकर ले लेंगे तो समय पर प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाएंगे किसी कंटिजेंसी के होने पर फिर हमें वही सारी समस्याएं हो सकती हैं हमें जो हमारा निश्चित लाभ है वो नहीं मिल पाएगा बीमा प्रदाताओं ने आपके लाभ के लिए बचत बीमा योजना को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न लचीली सुविधाओं की पेशकश की है ऐसा ही एक विकल्प है प्रीमियम प्रीमियम भुगतान भुगतान विकल्प, विकल्प नियमित, एकल और सीमित हैं। आप पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं शुरुआत के दौरान एकल भुगतान कर सकते हैं या अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के आधार पर पॉलिसी अवधि की सीमित अवधि के लिए भुगतान कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत वित्त का विश्लेषण करें और सही चुनाव करें विभिन्न प्रकार की कंपनी ने पॉलिसीज चलाई हैं, आप अकेले भी उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं आपके साथ में भी कोई को शेयरर भी हो सकता है जो उस प्रीमियम का भुगतान करे ये भी हो सकता है कि आपकी पॉलिसी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उसमें भुगतान कर रहा है तो ऐसी काफी सारी स्थितियां हैं जहाँ पर आपको इंश्योर्ड किया जा सकता है लेकिन समझदारी इसी में ही है कि अपनी वित्तीय स्थिति को समझते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को समझते हुए कि हमने किन किन लोगों को अपने साथ इंश्योर करना है या किस किस चीज़ को हमें आगे फ्यूचर के लिए इंश्योर करना है इन सारी चीज़ों की स्थितियों को समझते हुए ही हमें सही इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए क्योंकि सही इंश्योरेंस के बाद में सही समय पर आप सही प्रीमियम को जमा कर पाएंगे और अपनी कंटिजेंसी के समय पर जो निश्चित अमाउंट है वो आपको मिल पाएगी भुगतान हो पाएगा हमारे जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान के विभिन्न तरीके हैं जिनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से आप बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं शाखा कार्यालय में भुगतान पेमेंट एट ब्रांच ऑफिस हम सभी जानते हैं कि कंपनियों के विभिन्न स्थानों पर शाखाएं खुली हुई हैं ये प्रीमियम भुगतान का सबसे सरल और लोकप्रिय तरीकों में से एक है पॉलिसी धारक प्रीमियम राशि का भुगतान सीधे नकद या चेक के माध्यम से कर सकता है आप कंपनी के ऑफिस में जहां पर भी उनका बना हुआ है वहां जाएंगे और नकद या चेक के द्वारा जैसे भी उनका मीडियम है उसके थ्रू आप इसको पैसे को जमा कर सकते हैं दूसरा तरीका जो प्रीमियम के भुगतान का है वह है बैंकों या एजेंट के माध्यम से कुछ बीमा कंपनियों ने विशिष्ट बैंकों के साथ गठजोड़ किया हुआ है जहां पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं भुगतान बीमाकर्ता के अधिकृत बीमा एजेंटों को भी किया जा सकता है बैंकों के साथ गठजोड़ है आप उस बैंक में जाएंगे वहाँ पर आप अपनी प्रीमियम अमाउंट को पॉलिसी के जो प्रीमियम है उसको जमा कर सकते हैं उसके बदले में बैंक जो आपको रसीद देगा वह एक तरह से स्वीकृति है कि आपका प्रीमियम कंपनी में जमा हो चुका है इसी प्रकार आप कंपनी के ऑथोराइज जो अधिकृत जो एजेंट्स हैं उनको भी आप अपना प्रीमियम जमा करके और उनसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं तीसरा भुगतान का तरीका है वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट थ्रू वेबसाइट आजकल बीमा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रीमियम भुगतान के लोकप्रिय तरीकों में से एक है लगभग सभी बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी धारक को अपनी भुगतान सेवा प्रदान करती हैं जहाँ कोई व्यक्ति अपनी प्रीमियम राशि का भुगतान अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते या क्रेडिट कार्ड द्वारा कर सकता है शिक्षित समय में और समय की कमी के कारण वेबसाइट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट जमा की जाती है पहले का दौर अलग था अब क्योंकि शिक्षित लोग हैं वो वेबसाइट्स को ऑपरेट करना जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग करना जानते हैं क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना जानते हैं तो वे लोग इसको ज़्यादा सुगम मानते हैं कि वह घर बैठे वेबसाइट्स के द्वारा प्रीमियम का भुगतान कर दें। इससे समय भी बचता है और समय पर आपकी प्रीमियम का भुगतान भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस जिसमें आपको कुछ नहीं करना है बल्कि ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड टाइम पर स्पेसिफाइड दिन आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं ईसीएस प्रीमियम भुगतान के लिए एक स्वचालित सरलतम और सबसे सुविधाजनक सुविधाओं में से एक है जो प्रीमियम के भुगतान की नियत तारीख पर बीमा धारक के निर्दिष्ट बैंक खाते से प्रीमियम को बीमा खाते के निर्दिष्ट खाते में डेबिट करता है ई भुगतान के कुछ और महत्वपूर्ण लाभ यह हैं कि किसी को दे तिथियां याद रखने की आवश्यकता नहीं होती बैंकों या शाखा कार्यालयों में चेक या नकदी जमा कराने के लिए कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होती ऑटोमेटिकली जो भी डेट या टाइम उसमें सेट किया गया है आपके बैंक से वह अमाउंट कट के और इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के खाते में वह अमाउंट डिडक्ट हो जाती है ना आपको ऑफिस में जाने की जरूरत है ना आपको लाइन में लगने की जरूरत है ना आपको अपनी ड्यू डेट याद रखने की जरूरत है वह अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके खाते में से डेबिट कर ली जाती है इस तरह से प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है ईसीएस फैसिलिटी के द्वारा पांचवी प्रचलित भुगतान करने का तरीका है क्रेडिट कार्ड स्थाई निर्देश क्रेडिट कार्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या इन दिनों प्रचलित बीमा प्रीमियम भुगतान का एक और तरीका है जो नियत तारीख पर क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम के ऑटो डेबिट को सक्षम बनाता है आपके क्रेडिट कार्ड से वह पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाती है अर्थात आपके बैंक खाते में उस समय पैसे हैं या नहीं है हो सकता है आपकी उस समय पर सैलरी ना आई हो हो सकता है आपके व्यवसाय से उस समय कोई ऐसा पेमेंट ना पाई हो आप भुगतान करने की स्थिति में ना हो तो आपके क्रेडिट कार्ड से वह पैसा ऑटो डेबिट हो जाता है ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी क्रेडिट कार्ड स्टैंडिंग ऑपरेशंस ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल की गई हैं इसके अलावा एक और प्रीमियम भुगतान का तरीका है वह बिल डेस्क यह बीमा प्रीमियम भुगतान का ऑनलाइन तरीका है इस सुविधा का उपयोग करने के लिए किसी को बिल डेस्क पर पंजीकरण कराना होगा और अपनी बिलर बीमा कंपनी चुननी होगी यानी कि यह या एक और ऑनलाइन मेथड है जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपनी बिलर बीमा कंपनी को चुनते हैं और आपकी प्रीमियम अमाउंट की भुगतान कर दी जाती है तो इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा भुगतान किया जा सकता है प्रीमियम का हमारा समय भी बचता है इसमें हमारे को याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब प्रीमियम अमाउंट हमारा ड्यू है और इस तरीके से समय पर पेमेंट करने के बाद हम लोग इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमारा इंश्योरेंस कवरेज किया गया है और वह चालू है किसी कंटिजेंसी के हैपन होने पर आकस्मिक घटना के हो जाने पर हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान किया हुआ है या नहीं किया हुआ है क्योंकि वह समय पर हमने भुगतान किया हुआ है वह या तो ऑटो डेबिट हुआ है या समय समय पर हमने जाकर अपने ऑफिस में एजेंट के द्वारा हमने उस पैसे को जमा किया हुआ है तो प्रीमियम का भुगतान सबसे महत्वपूर्ण कारक है पॉलिसी लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना प्रीमियम का समय रहते भुगतान करना तो अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को जानते हुए हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी है उसका कितना प्रीमियम हम पे करने की स्थिति में और किस समय पर क्या हम उसका मंथली पेमेंट कर पाएंगे क्या हम उसका अर्धवार्षिक कर पाएंगे या हम उसका एकमुश्त कर पाएंगे या हम सालाना प्रीमियम कर पाएंगे ऐसा सब कुछ हमें तय करना होगा अपनी स्थिति को देखते हुए अपनी उम्र को देखते हुए व्यवसाय को देखते हुए अपनी स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें इस प्रीमियम के भुगतान के लिए तय करना होगा कि हमें कितना भुगतान करना है किस समय पर करना है कहाँ पर करना है और ऑनलाइन करने के विभिन्न मेथड अभी जो हमने डिस्कस किए हैं उनका भी बेनिफिट उठाया जा सकता है अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आप ई मेथड से या नेट बैंकिंग के थ्रू या बिल डेस्क के थ्रू में आप उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं स्टैंडिंग ऑपरेशन है आपके क्रेडिट कार्ड के जिसके द्वारा आपको ड्यू डेट्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान सबसे महत्वपूर्ण स्थिति रखता है हमें इसको सही समय रहते डिपॉजिट करवाना चाहिए इस प्रीमियम के डिपोजिशन के मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रेस पीरियड प्रीमियम भुगतान में छूट अवधि आपको जो प्रीमियम आपको भुगतान करना है मान लीजिए उसमें कोई चूक हो जाती है किसी प्रकार की भी अगर चूक हो जाती है तो क्या आपको कोई छूट अवधि उसमें मिली है या नहीं मिली है किन स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपको छूट प्रदान करती है और किन स्थिति में वो देने से मना करती है ये सारी चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे बीमा कानून में अनुग्रह अवधि अर्थात ग्रेस पीरियड वह अवधि है जिसमें देर से प्रीमियम का भुगतान बिना दंड के किया जा सकता है यह ग्राहक को बीमा पॉलिसी समाप्त हुए बिना नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान नियत तिथि से अधिक करने का अवसर प्रदान करती है मान लीजिए आपकी पॉलिसी इकतीस तारीख को खत्म हो रही है और आपको पंद्रह दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है तो आप चाहे अगले महीने के पांच तारीख को वो पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको बिना किसी दंड के बिना किसी पेनल्टी के आपको वह सुविधा मिली है कि आप उस पैसे को जमा करवा सकें और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस ग्रेस पीरियड के दौरान आपको आपकी पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स कवर्ड मिलते हैं यह माना जाएगा कि आप इंश्योरेंस दायरे में हैं, चाहे आपने उस समय तक कोई पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान ना किया हो क्योंकि आप ग्रेस पीरियड के अंदर रह रहे हैं ग्राहक को पॉलिसी की अच्छी स्थिति में रखने के लिए भुगतान करने के लिए दी गई एक अतिरिक्त समय अवधि है एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है कि आप अपनी पॉलिसी का पैसा जमा करवा सकें अगर वह समय पर भुगतान करना भूल जाता है या पैसे की व्यवस्था करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होती है तो यह पॉलिसी कंटिन्यू रहे पॉलिसी अच्छी स्थिति में रहे और आप इंश्योरेंस में कवर रहे ऐसी फैसिलिटीज इंश्योरेंस कंपनीज आपको देती हैं जिसे कि हम ग्रेस पीरियड के रूप में अतिरिक्त समय के रूप में या फिर अनुग्रह अवधि के रूप में जानते हैं एल वेबसाइट यह प्रावधान करती है कि जिन पॉलिसियों में प्रीमियम भुगतान का तरीका मासिक है उनके लिए अनुग्रह अवधि नियत तारीख से पंद्रह दिन है अर्थात आप जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं अगर आप मंथली उसमें प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपके पास पंद्रह दिन की छूट की, यानी की है यानी कि ग्रेस पीरियड है अगले महीने की पंद्रह दिन तक आप उसको प्रीमियम पे कर सकते हैं उन पॉलिसियों के लिए छूट अवधि जहाँ पर प्रीमियम भुगतान का तरीका त्रैमासिक अर्धवार्षिक या वार्षिक है उन पॉलिसियों में छूट की अवधि एक माह है लेकिन तीस दिन से कम नहीं अर्थात तीस दिन का मिनिमम समय उसमें प्रदान किया जा सकता है इस अवधि के दौरान बीमा पॉलिसी लागू रहती है तो मंथली प्रीमियम पेमेंट के समय पर आपके पास ग्रेस पीरियड पंद्रह दिन है और इसके अलावा क्वार्टरली बाय एनुअली एनुअली इस तरह की स्थिति के अंदर में आपके पास ग्रेस पीरियड एक महीना है लेकिन तीस दिन कम से कम उसके अंदर में आपको प्रदान किए जाएंगे और उस पीरियड के दौरान आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी विद ऑल बेनिफिट्स हालांकि प्रीमियम के भुगतान की मांग करना बीमाकर्ता का कर्तव्य नहीं है लेकिन सामान्य व्यवहार में बीमा धारक को भुगतान करने के लिए मांग का एक नोटिस भेजा जाता है लेकिन यदि दुर्घटना या डाक विलंब से कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है या खो जाता है तो यह प्रीमियम का भुगतान ना करने के लिए बीमा धारक द्वारा स्थापित किया जाना वाला डिफेंस नहीं है अर्थात आप इसे एक अपना विशेष अधिकार प्रिविलेज नहीं मान सकते कि क्योंकि कंपनी ने आपको नोटिस नहीं दिया क्योंकि कंपनी ने डिमांड ऑफ नोटिस नहीं भेजा मांग नहीं करी या आपका अधिकार नहीं है यह कंपनी के द्वारा एक फैसिलिटी है जो समय रहते आपको याद दिलाती है कि आपकी बीमा पॉलिसी की ड्यू डेट आने वाली है या आ चुकी है या निकल चुकी है इस प्रकार के वो आपको रिमाइंडर्स भी देती है इस तरह के आपको कम्युनिकेशंस भी देती है चाहे वो एसएमएस के थ्रू हो चाहे आपको मेल के थ्रू हो चाहे आपके एड्रेस पर नोटिस डालकर वो विभिन्न तरीके विभिन्न प्रकार की कंपनियां विभिन्न समय पर इस्तेमाल में लेके आती हैं लेकिन अगर कंपनी ने आपसे कोई प्रीमियम की डिमांड नहीं की है आपको ड्यू डेट की जानकारी नहीं दी है या फिर आपको ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है इस बारे में आपको बताया नहीं है या कोई नोटिस इशू नहीं किया है तो आप इसको एक डिफेंस नहीं बना सकते कि क्योंकि कंपनी ने मुझसे ड्यू डेट याद नहीं दिलाई या मुझसे प्रीमियम का डिमांड नहीं किया तो मैंने पैसा जमा नहीं किया यह आपका खुद का आपका कर्तव्य है कि आप समय पर पॉलिसी की जो प्रीमियम है उसको जमा करवाएं ड्यू डेट को याद रखें और कितना पैसा है उसको समय पर आप उस समय अवधि में उसको जमा करवाएं यानी कि ग्रेस पीरियड जो है वो आपको एक सुविधा दी गई है ना कि आपका एक अधिकार है अपनी पॉलिसी में ऐसे अनुग्रह अवधि खंड को शामिल करना बीमाकर्ता का विशेष अधिकार है यानी कि कंपनियाँ एक विशेष अधिकार रखती हैं कि वो ग्रेस पीरियड को शामिल करती हैं यदि पॉलिसी ऐसे मुद्दे पर चुप है तो बीमित व्यक्ति ना तो अनुग्रह अवधि का अधिकाकदार है और ना ही वैसे अधिकार के रूप में दावा कर सकता है ग्रेस पीरियड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट कि आपने मुझे ग्रेस पीरियड नहीं दिया आपका अधिकार नहीं है ये कंपनी का एक प्रिविलेज है वे चाहे तो आपकी उस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड को डाले या ना डाले अगर उसने उसमें नहीं डाला आपने भी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है आपने उसमें ध्यान नहीं दिया या आपको नहीं मालूम था तो आप उसको डिफेंस या आप उसको एज ए मैटर ऑफ राइट लेटर ऑन क्लेम नहीं कर सकते यह कंपनी का प्रिवलेज है कि वह ग्रेस पीरियड को पॉलिसी में डाले या ना डाले इसके अलावा आपकी कब पॉलिसी ड्यू है ड्यू डेट कब है वह भी जानकारी देना कंपनी की ड्यूटी नहीं है हालांकि वह आपकी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं बल्कि यह आपका कर्तव्य है कि समय रहते इस चीज़ का ध्यान रखें और समय पर अपना प्रीमियम जमा करवाएं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में बीमाकर्ता का आचरण बीमाकर्ता को यह दावा करने से रोक सकता है कि प्रीमियम का भुगतान ना करने पर पॉलिसी समाप्त हो गई है बीमाकर्ता अपने आचरण से यह दावा करने का अधिकार भी छोड़ सकता है कि प्रीमियम का भुगतान करने में विफलता के कारण अब पॉलिसी लागू नहीं है प्रीमियम का भुगतान ना करने पर पॉलिसी को जब्त करने का दावा करने के अधिकार की छूट तब होती है जब बीमाकर्ता स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से बीमा धारक को यह विश्वास दिलाता है कि बीमाकर्ता ने ऐसे अधिकारों को त्याग दिया है तो कुछ स्थिति ऐसी हैं जहां पर बीमाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि प्रीमियम का समय रहते भुगतान ना करने पर पॉलिसी समाप्त हो गई है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके अनुसार वह ऑटोमेटिकली किसी भी पॉलिसी को ख़त्म नहीं कर सकते उनका आचरण भी यह तय करेगा कि उनका दावा स्वीकार योग्य है या नहीं है मान लीजिए मैं एक पॉलिसी के पैसे का प्रीमियम देना चाह रहा हूं लेकिन कोई तरीका नहीं है कि प्रीमियम कैसे जमा किया जाए या कंपनी का ऑफिस बंद है या एजेंट ने इनकार किया है या फिर कंपनी की वेबसाइट या कोई और टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है उस स्थिति के अंदर में तो कंपनी यह कहकर मेरी पॉलिसी को रद्द नहीं कर सकती कि समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया तो बीमा करता का जो आचरण है वह भी बड़ा महत्व रखता है ग्रेस अवधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि पॉलिसी ग्रेस अवधि के दौरान बिना किसी लाभ को कम किए पूरी तरह से चालू रहती है और ग्रेस अवधि के भीतर किए गए प्रीमियम का भुगतान नियत तिथि पर किया गया माना जाता है अर्थात ग्रेस पीरियड में आपकी पॉलिसी कॉन्टिन्यू रहती है सारे बेनिफिट्स कॉन्टिन्यूड रहते हैं और यह माना जाता है कि समय पर आपने प्रीमियम का भुगतान कर दिया अर्थात जितने भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो कॉन्टिन्यू रहते हैं आपकी ग्रेस पीरियड के दौरान उदाहरण के लिए एक कार बीमा कंपनी पंद्रह दिनों की छूट अवधि प्रदान करती है यदि कार बीमा प्रीमियम महीने की पहली तारीख को दे है तो कार बीमा महीने के पंद्रह दिन तक प्रभावी रहेगा भले ही प्रीमियम का भुगतान ना किया गया हो उस दिन के बाद प्रीमियम का भुगतान ना करने पर पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी अर्थात अगर आपका एक तारीख को ड्यू था आप नहीं भर पा रहे हैं तो उसके बाद अगले पंद्रह दिन तक यह माना जाएगा कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू है आपने प्रीमियम अमाउंट जमा किया हुआ है सारे बेनिफिट्स एज इट इज उसके अंदर कॉन्टिन्यू रहेंगे लेकिन पंद्रह दिन की अवधि खत्म होने के बाद में पॉलिसी समाप्त मान ली जाएगी प्रारंभिक अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान ना करने के कारण पॉलिसी लैप्स हो गई जिसके परिणाम स्वरूप पहले से भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त हो गया लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया न्यायालयों ने गरीबों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए न केवल बीमा धारक के पक्ष में उदारतापूर्वक जुटना शुरू कर दिया बल्कि बीमा धारक के पक्ष में पॉलिसी के जब्ती खंड यानी कि फॉरफ्यूचर क्लॉज की व्याख्या भी शुरू कर दी अर्थात शुरुआती समय में आप किसी भी समय अगर अपना प्रीमियम भुगतान करने में असफल रहते थे तो आपकी पॉलिसी खत्म मान ली जाती थी चाहे आपने कुछ वर्षों तक नियमित भुगतान किया लेकिन कभी भी चूक होने पर आपको स्थिति भुगतनी पड़ सकती थी लेकिन लेटर ऑन आपकी इन स्थितियों को देखते हुए देश की स्थिति को समझते हुए गरीबों की समस्या को समझते हुए न्यायालयों ने व्याख्यान किया और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक पीरियड जो है उसने जन्म लिया कोर्ट ने फॉर फीचर क्लॉज को इतना इजी नहीं रहने दिया कि किसी भी समय पर आप पॉलिसी को जब्त कर लेंगे बल्कि कुछ प्रावधान किए कुछ अंदर भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पियरलेस जनरल एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में चिनपा रेड्डी जस्टिस ने इस प्रस्ताव को देखा जिसे बताया गया कि

वही वर्ग जिसे सबसे अधिक सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता रहती है वह अगर थोड़ा सा भी चूक कर देते हैं तो उनकी पॉलिसी को फॉरफिट कर लिया जाता है जो पैसा उन्होंने अब तक जमा करवाया वह जब्त कर लिया जाता है ज्यादातर जरूरत उन्हीं लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसी की है जिन्हें सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है उन्होंने आगे कहा कि भारत की एल राज्य की एक संस्था जिसे देश में जीवन बीमा व्यवसाय का एक अधिकार दिया गया है ने जरूरतमंद गरीब ग्रामीण लोगों को उचित सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है यदि एल वास्तव में गरीब पॉलिसी धारकों के साथ कम कठोरता से व्यवहार करने और उदारता पूर्वक आगे बढ़ने में रुचि रखती है तो अब समय आ गया है कि एल अपने नियमों और शर्तों को पुनर्जीवित करे और जबती खंड को पूरी तरह से हटाने की दिशा में सोचे जैसा कि अब पेयरलेस द्वारा किया गया है या तो कम से कम छोटी राशि की पॉलिसियों के लिए इसे हटा दे जो लोग थोड़े पैसे के साथ प्रीमियम जमा करवा रहे हैं तो उनका पैसा जब्त ना किया जाए या इस फॉर फ्यूचर को जब्ती खंड को पूर्ण रूप से हटाया जाए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था जस्टिस ने दी थी इस केस के अंदर में वास्तव में अनुग्रह अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड इंश्योरर का एक सकारात्मक इरादा है ताकि बीमा पॉलिसी की समाप्ति या किसी भी पॉलिसी लाभ में कमी को रोकने के लिए नियत तारीख के बाद प्रीमियम का भुगतान करने का अवसर प्रदान किया जा सके यदि किसी बीमाकर्ता ने भुगतान स्वीकार कर लिया है और सामान्य समीक्षा प्रक्रिया का पालन किए बिना चेक जमा करा दिया है और स्पष्ट रूप से जानता है कि भुगतान प्राप्त होने पर पॉलिसी समाप्त हो गई है तो भुगतान ना करने के कारण पॉलिसी को जब्त करने का दावा करने का अधिकार खो दिया है तो वास्तव में अगर हम कहें तो अनुग्रह राशि जो है जो ग्रेस पीरियड जो दिया गया है अनुग्रह समय जो दिया गया है वह एक इंश्योरर का एक सकारात्मक इरादा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि किसी समय अगर आपसे चूक हो गई है तो आप समय रहते उस पैसे को जमा करवा सके बीमा अनुग्रह अवधि की अवधि व्यक्ति द्वारा सदस्यता ली गई पॉलिसी के आधार पर भिन्न भिन्न होती है जो 24 घंटे से लेकर 30 दिन तक हो सकती है अनुग्रह अवधि बीमा पॉलिसी अनुबंध में निर्दिष्ट है और देर से भुगतान के परिणाम स्वरूप दंड के रूप में अतिरिक्त शुल्क लग सकता है बीमा अनुग्रह अवधि पॉलिसी धारकों को प्रीमियम के भुगतान में देरी की स्थिति में कवरेज के तत्काल नुकसान से बचाती है बीमा छूट अवधि ग्राहकों के पास मौजूद पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करती है और इसकी निगरानी और प्रबंधन के लिए एक रेगुलेटर भी नियुक्त किया गया है जो यह देखता है कि आपके समय पर प्रीमियम पॉलिसीज का पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है और कंपनी ने किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई है और किस प्रकार से उसमें ग्रेस पीरियड के कॉन्सेप्ट को डाला है हालांकि कई जारीकर्ता अभी भी अपने पॉलिसी धारकों को डिफॉल्ट पर बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत छोड़ देते हैं बीमाकर्ता पॉलिसी धारकों को किसी भी सेवा के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए वे पात्र हैं जब तक कि बीमा अनुग्रह अवधि अभी भी सक्रिय है यदि पॉलिसी धारक समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में समर्थ है तो बीमा अनुग्रह अवधि बीमा प्रदान कंपनी द्वारा प्रदान किया गया जाने वाला अतिरिक्त समय यानी कि ग्रेस पीरियड एक अतिरिक्त समय है, अगर आपसे कोई चूक हो जाती है प्रीमियम की वापसी आमतौर पर एक बार भुगतान किए गए कि प्रीमियम को वापस नहीं करने के लिए कहा जाता है तब भी नहीं जब बीमा धारक अपनी बीमा पॉलिसी को लागू करने में असमर्थ हो लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पर आप बीमा के प्रीमियम राशि को वापस रिटर्न करने के लिए या उसका एक पार्ट प्रीमियम जो है उसको रिटर्न करने के लिए कह सकते हैं कुछ ऐसे कंसीक्वेंसेस हैं जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 18 एक शून्य करनी अनुबंध के रद्दीकरण के परिणाम कुछ परिस्थितियां जिनमें जोखिम कभी नहीं होता जहां पर कभी भी रिस्क नहीं होता जैसे कि पॉलिसी लागू होने से पहले बीमा की विषय वस्तु अस्तित्व में नहीं रहना विषय वस्तु का गलत वर्णन करना आदि ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पर आपके लिए पॉलिसी का पैसा देना आवश्यक नहीं होता तो एक इंपॉर्टेंट केस में श्रीनिवास अयर बनाम शेषा ईयर में न्यायमूर्ति ने कहा कि जो शब्द शून्य पाए गए वे एक ऐसे समझौते का वर्णन करने के लिए अधि उपयुक्त हैं जो शुरू से ही शून्य ये काफी आवश्यक है किसी भी प्रीमियम को जानना समय पर प्रीमियम का भुगतान करना क्यों आवश्यक है क्योंकि हमने खुद देखा है कि यह आपके पॉलिसी को चालू रखता है और समय पड़ने पर आपको महत्वपूर्ण समय पर यह आपके काम आता है तो इन सभी डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बीमा कवर के लिए जोखिम की डिग्री के आधार पर अलग अलग प्रीमियम की आवश्यकता होती है बीमा प्रीमियम की कीमत बीमा धारक की विशेषताओं पर भी निर्भर होती है बीमियम कंपनियां आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई तत्वों की जान करती है और अन्य कारकों को शामिल करती है जिससे कि आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाता है बीमा प्रीमियम का भुगतान आमतौर पर विशेष तरीके से किश्तों में किया जाता है जैसे मासिक या बाय एनुअल या फिर एनुअल जैसा देखा जा सकता है प्रीमियम गणना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है बीमा प्रीमियम के भुगतान के तरीके भी विभिन्न हैं। आप ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुग्रह अवधि है, जिसमें देर से प्रीमियम का भुगतान बिना दंड के किया जा सकता है यदि पॉलिसी धारक समय पर प्रीमियम भुगतान करने में असमर्थ है तो बीमा कवरेज समाप्त हो जाएगा इसलिए बीमा अवधि में अनुग्रह अवधि का भी ध्यान रखना होगा जरूरी है कि सभी पॉलिसी धारक अपना प्रीमियम भुगतान समय पर करें यदि पॉलिसी धारक बीमा और अनुग्रह अवधि प्रदान करने के बाद भी प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ है तो इसके परिणाम स्वरूप बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी उम्मीद है आपसे आपको बीमा प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.